ब्रह्मा शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दिन में 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि में ही रहेंगे। आज के जन्मे जातक साहसी, अनुशासन प्रिय, आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले और तकनीकी तथा शिक्षा क्षेत्रों में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक ईश्वर भक्त, सम्मान एवं कीर्ति पाने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों का आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। मन के नकारात्मक विचारों में सुधार महसूस होगा। अपनी क्षमता और कार्य ऊर्जा का इस्तेमाल आप अपने व्यावसायिक गतिविधियों में लगाएं। विकास और आर्थिक लाभ के दरवाजे आज खुले हुए हैं। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अपने गुरुजनों या प्रियजनों से भेंट संभव है। संतान संबंधी पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। सामाजिक उत्सव में आपके सम्मानित किए जाने का योग बनता है। अपने मकान के नैऋत्य कोण में, मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोने में, एक लाल रंग का बल्ब रोज जलाएं, अनुकूलता मिलेगी। वृष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज आप मानसिक रूप से अपने आप को तरोताजा और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट और सामाजिक समारोह में सम्मिलित किए जाने का योग है। पिता के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजनाएं आज फलीभूत होंगी। सरकारी विभाग या अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए मामलों में आर्थिक धन लाभ संभव है। मिथुन राशि वाले जातकों की प्रवृत्ति आज कुछ ना कुछ सीखने और हासिल करने की बनी रहेगी। व्यावसायिक उत्थान के लिए दिमागी तौर से आप सक्रिय रहेंगे। अपनी कार्य क्षमता का ज़्यादा इस्तेमाल अपने बौद्धिक कार्यों में करेंगे। धर्म के प्रति आस्था बढ़ी हुई रहेगी। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा संभावित है। शत्रु पक्ष अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। आय से ज़्यादा व्यय संभावित है। त्वचा व पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कर्क राशि वाले जातक पिछले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सामाजिक और व्यावसायिक व्यस्तता आज बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपके प्रयास सार्थक होंगे। छोटी छोटी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पहले पूरा करें, सहूलियत मिलेगी। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ और उसको उत्साहपूर्वक निभाने का आत्मविश्वास बना हुआ रहेगा। आपकी कार्यकुशलता अधिकारियों के नज़र में बनी रहेगी, जिसका लाभ आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा। सिंह राशि के जातकों का पहले का खोया हुआ आत्मविश्वास पुनर्जीवित होगा। हर काम के प्रति आपकी सक्रियता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता का इस्तेमाल नई कार्य योजनाओं में करें, लाभदायक परिणाम सामने आएंगे। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा। किसी समारोह में सपरिवार शामिल होने का मौका मिलेगा। नए निवेश का योग बना हुआ है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पेट संबंधी समस्या में पेट में कीड़े होने और वात रोग की संभावना बनती है। आपकी कार्य क्षमता और सक्रियता पूरे दिन प्रभावित रहेगी। छोटे मोटे कामों में भी रुकावट संभव है, क्योंकि आपकी राशि से छठवें सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र चल रहे हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता का सटीक इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से मन में खिन्नता महसूस होगी। आर्थिक, व्यावसायिक और संतान पक्ष से चिंता आज बनी रहेगी।
तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ नए सृजनात्मक कार्य करने की शैली बदली हुई रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं को बल देने के लिए कुछ नए तरीकों का इस्तेमाल लाभदायक सिद्ध होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही विरोधियों के प्रति सावधानी आवश्यक होगी। संतान के प्रति सुखद समाचार मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन खुशहाली भरा हुआ होगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ने से पारिवारिक खुशी, दाम्पत्य जीवन में हर्ष और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज का दिन आर्थिक मामलों में निवेश के लिए अच्छा है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आपकी कार्य ऊर्जा, व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक सहयोग के लिए पर्याप्त है। आपके लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। शाम को किसी समारोह में सपरिवार शामिल होने का मौका मिलेगा। धनु राशि वाले जातक अपने ऊर्जा स्तर को बरकरार रखें। आपके मेहनत करने की प्रवृत्ति सही रास्ते पर अग्रसर है। आपकी राशि से आठवें बैठे राहु आपके सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः असंतुष्टि की भावना बलवती रहेगी। भ्रमात्मक आवरण हटाते हुए अपनी चेष्टा को दिनचर्या में शामिल करें। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। भावनात्मक लगाव को प्रश्रय दें। निजी संबंधों का दोहन आपके लिए उचित नहीं होगा। मकर राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने अंतर मन की आवाज को सुनते हुए महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करें। सगे संबंधियों की सलाह आपके लिए नुकसानदायक परिणाम पैदा कर सकती है। साझेदारी के कामों में अभी लंबे समय तक बचें, क्योंकि राहु की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है और केतु चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, इसलिए अंतर मन में निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सिर्फ अपने दिल की बात सुने। आर्थिक उपलब्धियों का दौर चल रहा है, उसे भुनाने की कोशिश करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता निश्चित है। संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। आज का दिन उपलब्धियों भरा हो सकता है। आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास व्यवसाय क्षेत्र में सकारात्मक उपलब्धि हासिल करेगा। ईश्वरीय ऊर्जा भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर है। नेक नियति रखते हुए अपने परिश्रम को अंजाम दें, सफल रहेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष बिल्कुल अनुकूल है। विरोधी दबे रहेंगे। शत्रुहंता योग निर्धारित है। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में भी अनुकूलता मिलती जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मन में बनी रहेगी। निजी उपयोग की वस्तुओं, संतान पर या परिवार पर खर्च की स्थिति बनी हुई है, इसे निवेश के रूप में भी माना जा सकता है। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए छोटी यात्रा संभव है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। किसी महिला की सलाह नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। सपरिवार किसी समारोह में शामिल होने का योग बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।